नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत मशीन के बिना आचार बनाने के वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए स्वागत करती हूँ। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बिना सिरके और बिना मशीन के आचार बनाने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आप एक उद्योग शुरू कर सकते हैं जिसमें किसी भी मशीनरी की आवश्यकता नहीं है और इस उद्योग को आचार उद्योग के रूप में जाना जाता है। आचार एक ऐसा उत्पाद है जिसका सेवन हर भारतीय घर में किया जाता है। यह स्वाद में खट्टा और आम्लीय है, लेकिन यह हमारे सामान्य भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। भारतीय घरों में आचार का विशेष स्थान है और इसकी उच्च खपत के कारण आचार बनाने का व्यवसाय एक सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय है। इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है आचार बनाने की विधि। अगर आपका आचार एक अच्छी विधि से बना है और स्वादिष्ट है, तभी यह ग्राहक को आकर्षित कर पाएगा। और इस औद्योगिक वृत्त चित्र में हम आपको आचार बनाने के व्यवसाय के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आचार तैयार करने के लिए आवश्यक कच्चे माल में आम, गाजर, हरी मिर्च, अदरक, शलजम, नींबू, ककड़ी आदि है। आचार बनाने में मसाले जैसे मेथी, सौंफ, काली सरसों, जीरा, अजवाइन, पीला बीज, कलौंजी के बीज और सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। आचार बनाने के लिए आपको पहले सब्जियों या फलों को खरीदना होगा और फिर उन्हें एक टब में धोना होगा। उसके बाद आपको सभी मसालों को अच्छी तरह से फैलाना और मिश्रित करना होगा। मसाले और तेल के साथ ड्रेसिंग के बाद लगभग 72 घंटे के लिए ड्रम में आचार को स्टोर करना होगा। इसके बाद आपको सरसों के तेल के साथ ड्रम भरना होगा और उत्पाद तैयार है। अब आप उत्पाद पैक कर सकते हैं और इसे बाजार में आपूर्ति कर सकते हैं। जो उत्पाद हम तैयार करते हैं वह रासायनिक मुक्त और सिरके के मदद बिना होता है। अब बात करते हैं जमीन और इमारत की। इस उद्योग को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1000 स्क्वायर फुट के क्षेत्र की आवश्यकता होगी और इस व्यवसाय को चलाने के लिए आपको 800 स्क्वायर फुट क्षेत्र की आवश्यकता होगी। प्लांट और मशीनरी। इस प्लांट को अर्ध स्वयंचलित मशीनों के साथ शुरू करने की कुल लागत लगभग 4 लाख रुपए प्लस GST होगी, जबकि यदि आप वीडियो में देखे गए रूप के मैनुअल प्रोसेस टूल और उपकरण के साथ इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो प्लांट की कुल लागत लगभग 1 लाख होगी। व्यवसाय की लागत आपके स्वचलित या अर्ध स्वचलित प्लांट पर निर्भर करेगी। आइए अतिरिक्त परिसंपत्तियों के बारे में बात करते हैं। अतिरिक्त परिसंपत्तियां जिनकी आपको आवश्यकता होगी वो है विद्युत स्थापना, पावर पैनल, डीजी सेट, फर्नीचर एवं फिक्स्चर, बिजली। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 2 किलोवाट बिजली लोड की आवश्यकता होगी। श्रमिक संख्या। आप 4 से 5 श्रमिकों के साथ इस व्यवसाय को सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं, जिसमें कुशल और अकुशल श्रमिक और प्रबंधक आदि शामिल है। आइए यह जानते हैं कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितना निवेश किया जाना है और आप इस व्यवसाय से कितना लाभ कमा सकते हैं। जब हम मासिक कारोबार के बारे में बात करते हैं, यदि आप प्रतिदिन 8 घंटे के शिफ्ट के लिए 100% क्षमता पर प्लांट चला रहे हैं तो आप 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का उत्पाद बेच सकते हैं। मासिक लाभ की उम्मीद। जब हम मासिक लाभ के बारे में बात करते हैं तो कारखाने के खर्च, बिक्री और व्यवस्थापक खर्चों में कटौती के बाद आप प्रति माह लगभग 40,000 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन पहले बताए गए आंकड़े व्यवसाय की प्रकृति, आकार और निवेश के परिवर्तन के अनुसार बढ़ या घट सकते हैं।
इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको जिन लाइसेंस की जरूरत होगी वो है GST, उद्यम, FSSAI और ट्रेडमार्क। लागू योजनाएं मुद्रा, PMEGP, PMFME और स्टैंडअप इंडिया। ये योजनाएं आपके निवेश और परियोजनाओं पर निर्भर करती है। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने की योजना माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजिता के लागत 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का आप लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10,00,000 रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए। यह योजना पूंजी के लिए FPO, SGs, निर्माता सहकारी समितियों को 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में निवेश सहायता प्रदान करेगी।